पीछे 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 अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, रिपोर्टिंग की दस्तक में आपको खुश आमदीद। नाज़रीन, इस वक्त मैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मौजूद हूँ और जस्टिस आमिर फारूक की जो कमरा अदालत है उसके बाहर से आपको आज के वक्त जो आज अदालत में क्या हुआ उसकी तफसील बता रहा हूँ। आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो सबसे बड़ा एक जो ब्रेक थ्रू हुआ है, मरियम नवाज ने जो एक दरख्वास्त जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दी थी, जिसमें उन्होंने कुछ हकायक जो है वो अदालती रिकॉर्ड पर लाने थे। इस दरख्वास्त पर गुज़िश्ता रोज़ जो है वो इंतज़ामी एतराज़ात आयद कर दिए गए थे, ताहम अब उनको ओवर रूल कर दिया है इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो दो रुकनी बेंच है, जिसमें जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी थे। उन्होंने आज इब्तदाई समाअत के बाद ये इंतज़ामी एतराज़ात उस दरख्वास्त पर से रिमूव कर दिए गए हैं। नाज़रीन, ये वो दरख्वास्त है जिसकी कल जो है वो मीडिया में जो है मेन स्ट्रीम मीडिया में उसका ब्लैकआउट किया गया, उसको टेलीविजन चैनल्स पर भी नहीं चलाया गया और इस पर मरियम नवाज जो हैं उनको एक ट्वीट करना पड़ी और जिसमें उनकी ये जो एक शिकायत वाली ट्वीट थी और उसमें इन्होंने ये लिखा कि न जाने वो क्या वजूहात हैं जिसकी बिना पर ये दरख्वास्त जो है इसको उसका ब्लैकआउट किया गया और जो बातें इसमें लिखी गई थी और जो कोर इशू था उसमें उसको हाईलाइट नहीं किया गया। उस दरख्वास्त का जो कोर इशू था वो ये था कि जो पॉलिटिकल इंजीनियरिंग होती है मुख्तलिफ इदारों की, उससे जो है किस हकूमत को कैसे हटाया जाता है और उसमें वो वाक़यात लिखे थे जो कि आज इरफान कादिर जो हैं उन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के डिवीजन बेंच को भी बताए और उन्होंने साथ में ये भी जो है वो एक तासुर जो है वो ज़ाहिर करने की कोशिश की कि ये जो दरख्वास्त है ये शायद फ़ौज के या ISI के या किसी फ़र्द के ख़िलाफ़ है, क्योंकि उसमें मुख्तलिफ जो है वो ISI का भी नाम था, ISI चीफ का भी नाम था। तो इरफान कादिर ने जो है वो इस तासुर को ज़ाहिर करने की कोशिश की और उन्होंने कहा कि जो उनकी मुवक्किला हैं वो फ़ौज का एहतराम करती हैं, वो इदारों का एहतराम करती हैं, वो किसी फ़र्द के ख़िलाफ़ नहीं। हाँ, अलबत्ता वो एक माइंड सेट के ख़िलाफ़ है जो कि पॉलिटिकल इंजीनियरिंग में जो है इन्वॉल्व होता है और जमहूरी हुकूमतों को एक गैर रवायती तरीके से घर भेजने वाला जो माइंड सेट है ये उसके ख़िलाफ़ है। उन्होंने अपनी दरख्वास्त में जो आडे जो इंतज़ामी एतराज़ात आयद किए गए थे रजिस्ट्रार ऑफिस की जानिब से, उनमें ये कहा गया था कि जो इसकी प्रेयर है वो जो है वो बिल्कुल सेम है और इसके अलावा एक आध मज़ीद एतराज़ात थे। जब उन्होंने ये इरफान कादिर ने ये बात की कि इदारों के हवाले से हमारी जो है वो पॉलिसी और सोच जो है वो बिल्कुल वाज़े है, तो जस्टिस आमिर फारूक ने ये कहा कि इस तरह का कोई जो है वो ऑब्जेक्शन नहीं लगा था उसके ऊपर, दरख्वास्त के ऊपर। दरख्वास्त में जो है वो मरियम नवाज जो है उनके वकील इरफान कादिर ने साथ में जो कुछ चीज़ें लगाई थी वो सबक़ जस्टिस शौकत अजीज़ सिद्दीकी की एक तकरीर थी जो कि उन्होंने पिंडी बार में, रावलपिंडी बार में जो है वो उन्होंने की, जिसमें उन्होंने बताया कि मुझे कहा गया था कि नवाज शरीफ और मरियम नवाज इनको इलेक्शन से पहले किसी सूरत जेल से नहीं आने देना और इनको सज़ा होगी तो आपने इनको ज़मानत पर नहीं रिहा करना। ये उन्होंने कहा कि मेरे साथ एक मुलाकात की थी एक आला शख्सियत ने 29 जून को, यानी कि तकरीबन जो इनको सज़ा हुई एवन फील्ड रेफरेंस में उससे एक हफ़्ता पहले, और उसमें यह बात की गई थी कि हमारी 2 साल की मेहनत ज़ाया हो जाएगी अगर आपने इनको बेल दी। ये चीज़ें जो हैं ये अब अदालती रिकॉर्ड पर आ गई हैं और इसके साथ जो अरशद मलिक साहब जो हैं जो मरहूम जज हैं जिनकी एक कम्प्रोमाइजिंग वीडियो पहले आई और बाद में एक दूसरी वीडियो आई जिसमें उन्होंने इस बात का एतराफ़ किया कि नवाज शरीफ को अलजीज़िया केस में उन पे बहुत प्रेशर था और उनकी वो ट्रांसक्रिप्ट है जिसमें उन्होंने लिखा है कि
मुझे ये इस तरीके से मजबूर किया गया कि मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था कि मैं इस तरह का फैसला ना देता। तो इरफान कादिर साहब को अदालत ने बताया कि एक कौमी एहतसाब ब्यूरो जो है नैब की जानिब से भी एक एप्लीकेशन आई हुई है जो कि जिसमें उन्होंने कहा है कि 30 दिन में इस केस का जो है वो फैसला किया जाए, जिस पर जो इरफान कादिर है उन्होंने कहा कि ये एक बड़ी मज़ाक़ा खेज नैब की जो है वो दरख्वास्त है। और उसमें उन्होंने लिखा है कि जी ये 30 दिन में स्टैट्यूटरी जो पीरियड है वो 30 दिन के अंदर जो है वो इसका फैसला किया जाए, जबकि उनका ये कहना था कि इसको तो कितने दिन गुजर गए हैं और नैब के तो बहुत सारे मुकदमात हैं जो कि ऐसे ही पड़े हुए हैं। और उन्होंने अदालत से कहा कि मैं चाहता हूँ कि अदालत इस पर जो है वो नैब पर भारी जुर्माना भी आयद करे कि इस किस्म की मज़ाक़ा खेज जो है वो दरख्वास्त दे के आए हैं। तहम इरफान कादिर ने कहा कि वो भी चाहते हैं कि इस केस का जो है वो समाअत जो है वो जल्द मुकम्मल हो और जल्द फैसला आए और उनकी जानिब से कोई ताखीरी हरबे जो है वो इस्तेमाल नहीं किए जाएंगे। ताहम उन्होंने ये कहा कि ये जो हकायक जो है वो अभी मंजर आम पर आए हैं और जो अदालती रिकॉर्ड का हिस्सा बनाए गए हैं, उन्होंने कहा कि अदालत से दरख्वास्त की कि वो ये चाह रहे हैं कि इन हकायक को मद्देनज़र रख कर ही जो है वो अपीलों का फैसला सुनाया जाए, क्योंकि उनका ये ख्याल था कि ये केस अपनी नौइयत का जो है वो मुनफरिद केस है, ये एक सियासी केस है। और उन्होंने कहा कि जो जजिस साहबान हैं वो उनकी भी बड़ी कदर करते हैं और बड़ी इज्जत की निगाह से देखते हैं, लेकिन जब अदलिया जो है वो इस किस्म के सियासी मुकदमात में इन्वॉल्व होती है तो फिर उनके जजिस साहबान के बारे में भी बातें होती हैं। इसी तरह जब इदारे जो हैं वो पॉलिटिकल इंजीनियरिंग में इन्वॉल्व होते हैं तो उनके बारे में भी बातें होती हैं। तो बहरहाल ये आज की जो एक मुख्तसर समाअत थी और उसके बाद जो है ये अदालत ने नोटिसेस जारी किए जो मरियम नवाज़ की जानिब से दरख्वास्त आई थी, उस पर उन्होंने कहा कि हम इन जो इंतज़ामी एतराज़ात हैं इनको ओवर रूल कर रहे हैं और इस दरख्वास्त की जो मेंटेनेबिलिटी है यानी कि इसके काबिल समाप्त होने का फ़ैसला फिर हम इसको सुनकर करेंगे। नैब को नोटिस जो है उस पर जारी हो गया है और नैब की जो दरख्वास्त थी एक आज उन्होंने कैप्टन सफदर के लिए भी दायर की कि उनका जो एवन फील्ड में कन्विक्शन हुई है उसको भी जल्द जो है वो डे टू डे हेयरिंग की जाए, उस पर भी नोटिस कर दिया है अदालत ने। और अब मजीद समाअत जो है वो 13 अक्टूबर को होगी। तो अब तक के लिए इतना ही, हमारे साथ रहने का शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।